हरियाणा के एरिया जा। अच्छा, तो मोहब्बत थोड़ी ना उठेंगे, मेरे तो मन है वो झुकू। नमस्ते वंशी, नमस्ते नमस्ते। जीत रहे जीत रहे जीत। अरे हमारी बात है, तुम्हारे पास है ना, तो एक बार उसको बुला तो सही, बता तो सही सामान की क्या क्या होना है। चमकावे है दूसरे आदमी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइज, फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल काजल गुजरी व्लॉग में और एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइज, 9:30 होने वाले हैं, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9:30 बजे। और कॉम अभी ना है क्योंकि कपड़े धोए रखे, प्रेस वगैरह होएंगी अभी, वे करूँगी। बुखार उखार अभी थोड़ा आ रहा हूँ मैं पहले से। और गाइज, आज दूसरा दिन है तो मिस्त्री लगे पड़े, मतलब वही अभी पहले एक ही लगा रखो हमने अभी जो तोड़ फोड़ कर रहा है, उसके बाद स्टार्ट होएगा काम। और अभी हम जाएंगे चौखट वगैरह देखने भी जाएंगे, चौखट वगैरह आएंगे तो उसको भी जाएंगे हम, क्योंकि अभी थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा उन्हें। सुमित जी जब जाएंगे मैरवे, तो गाइज अभी दिखाऊँगी कितना काम हुआ है नीचे, कितना ना हुआ। और गाइज मैं रोज़ आपको थैंक यू बोलूँ, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करो, क्योंकि मैं बोलती रहूँ अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच डेली आपके लिए कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करो, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है। कहाँ ढूंढ रही हो तुम? गाइस मम्मी कुछ ढूंढ रही है, और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बेचारे को आपको कूलर और नीचे लगा का है, क्योंकि गर्मी इतनी बुरी हो रही है कि यार भाभी गर्मी लग रही है। अब उसे देखा हूँ मैं पौनी, और चलो दिखाती हूँ आप नीचे कितना कम हो कितना ना हो, चलते हैं नीचे। गाइस तो पौनी चल रहा हूँ हमारे, देखो चलते हैं। गाइस देखो सामान कैसे फैल रहा है, दिखाती हूँ आपको कितना कम हो। गाइस देखो, ये हमारे सोफा शादी के अभी निकले ना है, बाहर निकालो, क्योंकि गाइस ऊपर इतनी जगह ही, ऊपर इतनी जगह ही ना हो जो हम सोफा भी रख लें, बेड भी रख लें। ये बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, उनमें सोफा वगैरह आते ना है हमारे, तो ये शादी सोफे तो कैसे पड़े हैं। सोफा है, टेबल देखो यूरो शादी के टेबल, ये नीचे एक तो देखो भाई कॉम कर रहा हूँ। तो गाइस सामान ख़राब होगा सारा शादी का जो है हमारा, क्योंकि कमरे छोटे होने की वजह से भी कर रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, कूलर चला रखा है ना। गाइस से चौखट निकाल रहा है, चौखट नहीं लगेंगे इनमें। गाइस से हमारे किराएदार के कमरे हैं, जो किराएदार है हमारे, एक कमरा यू है, एक कमरा यू है, एक कमरा पीछे है, एक कमरा उधर है, एक कमरा यू है, एक कमरा यू है, और बाहर है, बाहर बने हुए कमरे। कुछ कॉम वॉम कर ले, ईटन ने बाहर घेर गया इन्हें, इन्हें यहाँ सारी न मड़ बैठा, और यहाँ घेर गया जा। अच्छा, तो मोहब्बत थोड़ी ना उठेंगे, मेरे तो मन है वो झुकू। कैसे लग रहा हो दो कमरे खुल के? अच्छे लग रहे ना। गाइस देखो, मैं कह रही सबसे है मैंने की गाइस देखो हमारे सोफा कैसे पड़े हैं ब्याह के, आधा समान तो खराब हो लिया है, मगर हमारे सोफा खराब ना हो, बिल्कुल ठीक है। गद्दा आएंगे, बस गद्दा भी ठीक है, बस कोई कोई गद्दा खराब होगा। गाइस उस टेबल को नोस लगो, टेबल गए हमारे,
ये हमारे बच्चे की साइकिल है, रोड की वजह से चलाते ही ना, एक बाहर पड़ी है देखियो, कीचड़ की वजह से बच्चे चलाते भी ना हमारे। गाइस तो ये सारी टोंड वोंड सब निकलेंगी, थोड़ी थोड़ी अपडेट देती रहूंगी मैं गाइस, मैं थोड़ी थोड़ी अपडेट देती रहूंगी तुम्हें। अभी एक चौकड़ तो निकल गई, अब दूसरी निकाल रहा गाइस। पहले ना सारा जो तोड़ने को काम है ना वहाँ करवा के जब मिस्त्रियाँ बुलवाऊंगी, आज वैसे कह रहा हूँ सोम को आऊँगा मैं, सामान लिखवा के जाएगा जो भी सामान है। और ये जो ऊपर पाइप जा रहा हूँ, ये हमारे किचन को जा रहा हूँ ऊपर पाइप, यूँ किचन को पाइप निकलेगा और यहाँ कर जाएगा गाइस। तो 12 बजने वाले हैं और बारिश शुरू होगी देखो, और अभी ईटन ने साफ करो है गाइस। तो मैंने देखो पापा के कमरे को कहा हलो ना दियो नीचे, गर्मी लग रही है, पंखा चलाया हुआ मैंने, पापा बीड़ी बीड़ी रखी है पापा की, ये पता ना धोनी कैसे हो गई सर पे, धोनी से निकल आए गाइस। देख रहे बारिश हो रही है बाहर गाइस, ये ना सारे मतलब कपड़ा छटेंगे और जो मतलब एक्स्ट्रा फालतू होंगे जो मुझे लगेंगे ना जरूरी है वो कपड़े हमारे तो रख के, मतलब जिसे याद के तौर पे रख ले कोई कपड़ा वो रख के, और सारे दे दूंगी लेना जो आवे उन्हें, इतने ज़्यादा हो रहे गाइस। हमने कितने तो दे दिए, बहुत सारे अरबी हो रहे हैं गाइस देखो, और अब तो कॉम लगो ही रहेगा, और जैसे जैसे आगे कुछ करते रहेंगे ना आपके साथ अपडेट करते रहेंगे गाइस। तो अभी बस चौखट को जाना है, आ जाएंगे ये फ्री हो जाएंगे तो चौखट को जाएंगे, एक बार देख आएंगे कोई पसंद आ जाए, नौ पसंद आई तो फिर बनवाएंगे, अगर नौ लगा तो मुझे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सेकंड हैंड देखी हूँ, अगर मुझे नौ पसंद आई तो फिर नहीं बनवा लेंगे गाइस। तो गर्मी बहुत हो रही है और ये बार बार बारिश पड़ के और ज़्यादा उमस कर रही है बाहर, चलना देखना पढ़ पढ़ के गाइस। तो यहाँ गिरवाऊँगी सारा जो मड़वा हो रहा है ना, अब मड़वे यहाँ गिरवाऊँगी सामने मड़वा अभी वो निकाल दो हीटर में, हीटर में उसको कूलर भी लगा रखा है गाइस। चलो सुमित जी आ जाएंगे, तो ये बड़े भाई साहब की गाड़ी खड़ी है हमारे, अभी वो कवर को ही गए हैं, कल आ जाएंगे, कल यहाँ आ जाएंगे मेट्रो पे गाइस। तो उन्हें निकल आए मेरा नमस्ते नमस्ते गाइस, देखते रहो इनकी, नमस्ते वंशी, नमस्ते नमस्ते, जीत रहे भग जा ऊपर को, अभी छुट्टियाँ क्यों खोल रही है, तुम जा रहे हो तुम गाइस। यू तो अपने कॉमन में लगा रहा है, मेरी पूरे से ना नहाती ना धोती मैं यार, तू भी देख ले कर, एक आध मिनट को खड़ो हो जाए कर यार, देखो के दिखा कॉम देख ले अपनो, यू कुंदे काट रहो तुम, नहीं तो कही सारे इन लिखवा दे, यू दे रहो अपनी सलाह, मिस्त्री आएगा सोंज को गाइस, बस यू सलाह देने को है यहां पे पड़ा दे मिस्त्री बुला, तेरे पास मिस्त्री का, अरे हमारी पास है तुम्हारे पास है ना, तो एक बार उसको बुला तो सही, बता तो सही सामान की क्या क्या होना है, मंगाए देंगे ना फिर, हमने बोली कर दी तो क्या बोली थी ये बोला था। हेलो राम राम जी, तो कैसे हो आप सब बताओ, सब राजी खुशी। तो आज मैं यहाँ के ब्लॉग में आया हूँ घने दिन में, तो दुकान पर भी आई है हूँ घने दिन में आया हूँ, और के मैं इतना कोई बोलूँ बताओ आप, सामने पीछे तो दिखाते रहे आए तो नहीं
बोल तो पहली बार रहे हो। कौन पे गड़े दिन माया हम लोग के व्लॉग में ना कौन पे तो सुबह थे ही कॉम चल रहा है चक्कर में नीचे ही बेचारी मेहनत कर रही है। मेहनती तो हूँ ही मेरे चेहरे पे लिख रहा हूँ मैं मेहनती हूँ मेरे फेस पे गाइस दिखाई दे रहा है तो मैं बहुत मेहनती हूँ। कॉम चोर एक नंबर की वो तो सब पता है कि मैं कॉम चोर हूँ कि नहीं चमकावे है दूसरे आदमी तू चमकावे आके हेल्प तो तू करता हूँ वो हेल्प करनी चाहिए मेरी तो मेरी हेल्प करनी चाहिए कि मेरी वाइफ इतना काम कर रहे हैं मैं आके हेल्प करूं। फिर आए हो मैंने दुकान खोल ली है शटर ऊपर करो है ये लगाए है और क्या चाहिए और कौन ना हो आएगा पूरे दिन या कुर्सी तोड़ेगी अब अच्छा बैठी बैठी और करेगी कहाँ थी और तो कुछ है ना कौन है ना तो यू किसको फोन आ रहा तुम्हारे यहाँ फोन आ रहा हो स्कूल को मेरा टाइम होगा स्कूल को जाओ मेरा काम वो सौंपते हुए मेरा कॉम मुझे सौंप दो गाइस ये तो जा रहे हैं मेरा कॉम मुझे सौंप दियो। हेलो गुड टाइम और देख लो आप गर्मी कितनी हो रही है देखो गाइस तो आप पता ही है पूरा दिन चला गया वही मिस्त्री लग रहा है जो क्योंकि वहाँ बता नहीं पड़ा कहीं से गलत तोड़ दियो कुछ भी क्या हमारे तो वो भी गए अभी और मैं आ गई शॉप पे तो दिन में मैं आ ही ना पा रही शॉप पे सही बताऊँ तो दिन में बिल्कुल भी टाइम ना मिल रहा क्योंकि वहाँ के दौर बैठना ज़रूरी है कौन से कैसे तोड़ दे इसी वजह से वहाँ बताना ज़रूरी है तो पूरा दिन वहीं जा अभी नहा धो के आई हूँ मैं। अरे यू जी आई मार ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो गाइस बस वैसे तो होगा बस थोड़ी अब डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू लगा के मैं जोत जलाऊँगी और डेली रूटीन वही चल रहा है आप पता है कि सुबह घर में कॉम होता रहे फिर दुकान पर आ जाऊँ फिर कस्टमर में पूरा टाइम निकल जावे और डेली व्लॉगिंग का आपसे वो भी ले रखा है कि बस बुखार होगा उस दिन मैंने व्लॉगिंग ना करी बट इतना अच्छा रिस्पांस सच में थैंक यू कहना जितना दिल से मैं शुक्रिया करूँ ना उतना कम है आप सब इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो व्लॉगर ने तो कई कई बार थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन क्लिक कर लेना जो आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी मिलती रहे। तो मुझे एक कमेंट आ रहा हो कि दी आपकी ये गोल्ड के तो ये गोल्ड के नहीं है मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि व्लॉग में मुझसे पूछ रहे कमेंट कर रहे हैं कि दी ये मुझसे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए इसको और मैं आज आप बता ही देती हूँ गाइज ये वाले जो ईयरिंग्स हैं मेरा जब पथरी का ऑपरेशन हुआ है तो उस टाइम पे मतलब मैं कुछ पहन ना रही तो घर ही मैं जगतपुर तो मेरी दी मुझे देखना आई तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे दिए ये तो उनको गिफ्ट समझ लो मुझे कि उन्होंने मुझे दिए उस टाइम पे मुझे बल्कि इनकी कीमत भी नहीं बताई कितने के मैंने सोची कि होंगे 20-30 रुपया के क्योंकि नॉर्मली इतना ही हो मुझे कि सुई धागे 20-30 रुपया के आ जा तो फिर बाद में मुझे पता चली कि मतलब दी बता रही मैंने पूछी दी से मैंने कि दी इनका प्राइस क्या है सब पूछ रहे कि कौन से लाए तो जो मैंने प्राइस पूछा था गाइस ये 1000 रुपया के मुझे सच में पहले तो यकीन आया फिर दी ने बताई उन्होंने एक ऐप से मंगवाए अपने लिए तो गाइस ये ना गोल्ड प्लेटेड है तो मैंने इनको पहन पहन के देखो केयल कर रखो बट इतना अच्छा है कि मैंने ये गोल्ड में भी बनवा लिए क्योंकि मुझे इतने अच्छे लगे तो मैंने उसी टाइम पे मतलब गोल्ड में बनने को डाल दिए मुझे बहुत पसंद आए मेरे फ्रेंड्स से भी बहुत पसंद आए सब है तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इनको और सिंपल अपने डेली यूज़ में पहनने के लिए बहुत अच्छे तो मैंने बता दिया आप पूछ रहे कमेंट कर रहे इसलिए मैंने बता दिया मैं थक गई गाइस तो आज पूरे दिन ना रोटी पौनी ना पौनी पौनी गाइस तो मुझे एक चीज़ और बताना कमेंट करके कि आप पे कौन सा वाला व्लॉग ज़्यादा सही लगा है कि मेरा कॉस्मेटिक शॉप या घर वाला तो गाइस मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप पे कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा है मेरा वाला व्लॉग तो अगर आप सबसे ज़्यादा कमेंट करोगे कॉस्मेटिक लेके तो नेक्स्ट व्लॉग होएगा कॉस्मेटिक अगर कमेंट करोगे घर वाले व्लॉग तो नेक्स्ट व्लॉग घर वाला ही होएगा तो गाइस कमेंट करते रह करो जो मुझे पता चलता रहे आप सब मतलब कैसे पसंद करो व्लॉग और अगर आप कहोगे कि दी दोनों ही डालो तो फिर मैं पूरे दिन का रूटीन दिखाऊंगी आप पे मेरे घर से लेके जो मेरा पूरा रूटीन हुआ है शॉप तक का कि मैं कब क्या करूं तो गाइस पूरा टाइम टू टाइम मैं आप पे बताऊंगी तो कमेंट करना ना भूले कमेंट करते रहे और ऐसे ही अपनी सपोर्ट बनाए रखें और जो मुझे इतना प्यार दे रहे थैंक यू सो मच कितनी बार मैं थैंक यू बोलूँ पता ना तो आप सबकी है सपोर्ट ही है जो मैं आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रही हूँ या कुछ भी आगे करूँगी वो आप सबकी सपोर्ट है
और कुछ भी ना है, क्योंकि गाइस चाहे आप छोटे से शुरू कर लो, अगर मैं खुद कहूँ कि पता ना लोग के सोचा के ना सोचे, जो अब अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, छोटे से छोटा कर रहे हैं, अब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं, वो हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ व्लॉग में, क्योंकि बोलने वाले इनके तो मैं मुंह ना रोक सकती, कुछ भी बोलते रहें, बट जो भी है कि वो हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और जब मेहनत से करें ना, तो एक एक रुपया भी बहुत कूल लगा है कि हम सोच समझ के खर्च करें उसे, कि कहीं भी अच्छी जगह लगाने की कोशिश करें वह। तो गाइज ऐसे ही प्यार बनाए रखो, आप सबका प्यार है जो मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो आप सबका प्यार ही है और कुछ भी ना है। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बस साथ रहना हमेशा ही। और ऐसे ही मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपनी फैमिली व्लॉग, अपने कॉस्मेटिक व्लॉग, अपना कोई भी टू जो हम जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, सब चीज़ आपके साथ शेयर होगी। और कमेंट करे करो जो मैं आपकी बातों का जवाब देती रहूँ, इसीलिए बोलूँ मैं कमेंट करूँ जो मुझे पता चलती रहे। तो गाइज अब मैं अपने लग जाऊँ कॉम में यार, नहीं लेट हो जाऊँगी, बस झाड़ू रह गया, झाड़ू वगैरह लगा लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, वरना लेट हो जाऊँगी। और ऐसे ही आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो गाइज मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉगन के साथ। और आप कमेंट करोगे तो नेक्स्ट व्लॉग कॉस्मेटिक होगा, अगर कमेंट करोगे घर का तो घर का होएगा, अगर करोगे दोनों तो दोनों मिक्स होएगा आपके लिए रूटीन व्लॉग। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। जय बाबा मोहन राम, जय भोले बाबा की। तो गाइज कल भोले आ जाएंगे गाँव में ही, जैसे पता आप भाई सब गए हुए हैं, तो कल भी आ जाएंगे गाँव में ही। और परसों जल है, 15 तारीख को जल है हमारे यहाँ, तो क्योंकि काफ़ी हो रहा है कि 15 को जल है कि 16 को जल है, बट 15 को जल है क्योंकि हमारे यहाँ तो 15 को जल है। अब पता ना आप सबके यहाँ कब को है, तो आ जाएंगे फिर वहाँ को भी दिखाऊंगी कितना अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से मनाए, वो भी यहाँ पे दिखाऊंगी जब आ जाएंगे। और गाइस एक गलत बात ही होगी कि मेरे सूट ना सिलो क्योंकि टेलर चला गया, बट देखते कि वो तो है, अब जो रखे हैं उनमें से भी पहनना पड़ेगा मुझे, अगर सिल देगा एक दिन में तो मज़ा आ जाएगा। गाइस चलो हमारी बात ख़त्म नहीं होगी, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। जय बाबा मोहन राम, जय भोले बाबा की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जय खाटू श्याम बापा।